नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। सहारनपुर जिला प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला समेत तीन की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने घायलों की गंभीर हालत देखते हुए फायर सेंटर रेफर कर दिया। आपको बता दें कि आज सुबह से रुक रुक कर हो रही बूंदाबांदी के साथ साथ बादलों की तेज गड़गड़ाहट और आकाश में चमचमाती बिजली से एक और जहां किसानों के चेहरों पर मुस्कान है, वहीं यह आकाशीय बिजली कई लोगों पर आफत बनकर टूटी है। थाना कुदुसर इलाके के गांव रूपली के एक स्कूल में बिजली गिरने से पांच पढ़ाने वाले युवकों पर आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों ने आनंद फार्म में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक और युवक की मौत हो गई, जबकि दो घायल युवकों को डॉक्टरों ने गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया। मरने वाले युवकों के नाम रजत और सोनल बताए जा रहे हैं, जो गांव के भीम आर्मी पाठशाला में पढ़ाने आए थे। वहीं दूसरी घटना थाना सदर बाजार हकीकत नगर इलाके की है, जहां मकान के लेंटर पर पति पत्नी छत पर पन्ना डालने गए थे। अचानक बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली मकान पर गिर गई। बिजली गिरने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने की घटना से नगर में हड़कंप मचा हुआ है। घटना सर, गांव से बाहर हमारा एक पेड़ है बहुत बड़ा आम का, वहाँ पे लड़के घूमने के लिए जाते हैं। जैसे बरसात आई, वहाँ पे उसकी छाया नीचे खड़े हो गए बरसात से बचने के लिए, तो वहाँ पे एक आसमानी बिजली बड़ी ज़बरदस्त पांचों एक साथ खड़े हुए थे, और जब उन्हें उठाने के लिए गए, जब पता लगा उधर को दुर्घटना हो गई, तो बहुत दूर दूर पड़े थे लड़के, दस दस पाँच पंद्रह पंद्रह मीटर की दूरी पे, और बड़ा ज़बरदस्त वो था हादसा। और हमारे दो तीन बच्चे, तो दो बच्चे तो एक्सपायरी हो गए, और एक को अभी भेजा है, दो की हालत गंभीर है, तीन की। पांच लोग आए हैं, पांचों के पांचों पुरुष हैं, इसमें से कि दो मृत अवस्था में आए हैं, तीन घायल आए हैं। जैसे बता रहे हैं कि आकाश से बिजली कड़कने की वजह से इनको करंट लगा है। इसमें से एक की हालत बड़ी सीरियस है, अभी हमने तीनों को एडमिट करा, जिसमें से एक रजनीश को हमने हायर सेंटर रेफर करा। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से संवाददाता जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट।